नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने ढूंढ ही लिया हनुमान जी को। जी हाँ दोस्तों, इसे आस्था कहें या विज्ञान, चाहे माने या ना माने, सत्य तो यही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारे धर्म में सबके शरीर छोड़ के जाने की बात कही गई है, चाहे वो प्रभु श्री राम हो या फिर श्री कृष्ण हो। लेकिन ये कैसा संयोग है कि हनुमान जी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। उनमें आस्था रखने वालों की माने, उनकी बात करें तो वे आज भी जीवित है। ऐसा कहा जाता है कि वो वहां आते हैं जहां पर भी राम नाम का जाप किया जाता है, यानी कि राम प्रभु का नाम लिया जाता है। कई चश्मदीद हैं जिन्होंने उनसे भेंट होने की भी बात कही है। अगर उनके सबूत देखे जाएं तो चाहे वो भारत हो या कोई अन्य देश, किसी आकार में बेहद ही बड़े प्राणी के होने की बात आज भी सामने आती है। अमेरिका में तो आज भी किसी वानर जैसे शरीर के महाशक्तिशाली इंसान होने की बात कही जाती है। उसे अमेरिका में बिग फुट का नाम दिया गया है। आखिर ये कैसा संयोग है कि लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा विशालकाय होने के बाद भी बिग फुट ने अभी तक किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन हर बार उसे पकड़ने की कोशिशें जो हैं वो नाकामयाब रही, क्योंकि वो भी अपने शरीर व आकार में बदलाव ला सकता है। और यही बात संयोगवश हमारे ग्रंथों में लिखी है हनुमान जी के लिए, ऐसे ही गुण उनके लिए भी बताए गए हैं। आखिर क्यों दुनिया में उड़ने वाले इंसानों के सबूत मिलते हैं? ऐसी कई वीडियोस आप देख सकते हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान, उड़ने वाले इंसान, वानर रूपी इंसान, ऐसे बहुत सारी हमको चिन्ह मिले हैं जिनसे कि पूरा पूरा आभास होता है, जिनसे कि पूरा पूरा विश्वास होने लगता है कि अभी भी हनुमान जी इस ही धरती पे हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी में हैं। यहाँ अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका का एक कबीला है, मातंग कबीला। वो आज भी मानता है कि एक विशालकाय शरीर वाला कोई प्राणी समय समय पे उनके पास आता है। अगर हम बात करें धर्म में जो आस्था नहीं रखते हैं, वो जो इनकी उपस्थिति को नकारते हैं, लेकिन पूरे दुनिया में मिले विशाल पैरों के चिन्ह, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जाने क्यों नास्तिक रामायण को अब भी सच नहीं मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की ये बात मानना कि राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है, ये बताता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में वानर देव की पूजा की जाती है, वो वाकई इस दुनिया में है। इस बात के सबूत, चिन्ह, आभास बार बार मिलता रहता है, चाहे वो कोई भी देश हो, पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में वानर देव की पूजा की जाती है। आखिर इस संयोग को कौन नकार सकता है? चाहे हर हिंदू माने या ना माने, भय लगने पर केवल हनुमान जी का नाम ही जबान पे आता है, क्योंकि वो निडरता के परिचायक हैं। अगर आप डरते हैं, चिंता करते हैं, तो उनका नाम अगर पुकारते हैं तो हमारे अंदर का जो भी भय है वो सब दूर हो जाता है। दोस्तों, तो कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जो कि सभी को, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे नास्तिक हो, किसी को भी ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि वाकई में हनुमान जी इसी धरती पे अभी भी जीवित है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो हनुमान जी के ऊपर। तो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप खूब सारा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए।